इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसी घातक एप्स के बारे में जो आपको अपने मोबाइल में लाजमी के लाजमी अभी इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। ये कौन सी एप्स हैं वो तो वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। बात करते हैं लिस्ट की पहले नंबर की ऐप की। इस ऐप का नेम है मल्टीपल स्क्रीन ब्राउजर। ये बेसिकली दोस्तों एक मल्टीटास्किंग ऐप है जिसकी मदद से आप लोग एट द सेम टाइम मल्टीपल ब्राउजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आप कोई आर्टिकल भी रीड करना चाहते हैं या दोस्तों आप चाहते हैं कोई वीडियो भी देखना तो आप इस ब्राउजर की मदद से वो कर सकते हैं। इधर आपको चार स्क्रीन देखने को मिल जाती है, मतलब आप चार डिफरेंट किस्म की दोस्तों ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो काफी दोस्तों ये घातक एप्लीकेशन है। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल ब्राउजिंग करना एट द सेम टाइम तो इस एप्लीकेशन को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो बात करते हैं लिस्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन का नेम है पिन लॉकर। बेसिकली दोस्तों ये एक लॉकर ऐप है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल की एप्स को लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी मोबाइल की एप्स को जब लॉक करेंगे ना तो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। तो वो क्या एक्सपीरियंस है डिफरेंट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपने सेट नाउ पे क्लिक करना है। सेट नाउ पे क्लिक करने के बाद इधर से आपने कोई भी थीम को चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये पहले वाली थीम को मैंने चूज कर लिया। उसके बाद आपने कोई भी दोस्तों फेवरेट टीचर का इधर नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद आपने टिक के बटन पे क्लिक करना है। टिक के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने इधर से न्यू पिन सेट कर देनी है। तो मैं इधर से न्यू पिन सेट कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट करता हूं। उसके बाद आपने स्टार्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इधर आपको सर्कल में डिफरेंट नंबर देखने को मिल जाते हैं, तो आपने जो भी पासवर्ड रखा है वो सर्कल से नंबर आपने चूज कर लेने हैं। तो मैंने इधर से 1 रखा था, उसके बाद 2 रखा था, उसके बाद 3 रखा था और उसके बाद 4 रखा था। 4 रखने के बाद दोस्तों आपका पिन इधर सेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपने कोई भी इधर रिकवरी ईमेल दे देनी है, तो मैंने इधर से रिकवरी ईमेल दे दी और उसके बाद डन के बटन पे क्लिक कर दिया। डन के बटन क्लिक करने के बाद आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद इधर से आपने लॉक स्क्रीन एंड एप्स में जाना है। इसमें जाने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है एग्री करके। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद इधर से आपने अपने पासवर्ड को एंटर करना है। तो मैं इधर से पासवर्ड को एंटर कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों जितने भी आपके मोबाइल में एप्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। तो जिस भी ऐप को आप लॉक करना चाहते हैं सिंपल आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों इधर से मैं व्हाट्सएप को लॉक करना चाहता हूं, तो मैंने इधर से व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरी व्हाट्सएप लॉक हो चुकी है, तो मैं अपनी व्हाट्सएप को ओपन करके दिखा देता हूं कि मेरी व्हाट्सएप लॉक है या नहीं है। जैसे ही दोस्तों मैंने अपनी व्हाट्सएप को ओपन किया, देख सकते हैं मेरी व्हाट्सएप लॉक है। अब अगर दोस्तों कोई भी बंदा इस लॉक को देखेगा तो वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। उसको पता नहीं चलेगा कि इस लॉक को किस तरह ओपन करना है या ये क्या लॉक लगा हुआ है। जस्ट आपको ही पता होगा कि आपने क्या पासवर्ड सेट किया है और इसको किस तरह ओपन करना है। तो इस तरह आप दोस्तों अपने डाटे को सिक्योर कर सकते हैं, आप अपनी ऐप को लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और फीचर आपको इस ऐप में देखने को मिल जाता है, वो है इंट्रूडर सेल्फी का। अगर दोस्तों आपके पीछे आपके मोबाइल में कोई घुसने की कोशिश करता है या दोस्तों पासवर्ड ओपन करने की कोशिश करता है, तो अगर वो रॉन्ग पासवर्ड लगाएगा तो ये एप्लीकेशन उसकी सेल्फी ले लेगी। तो आपने सिंपल इस ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद कैप्चर्ड इंट्रूडर्स में जाना है, तो इधर आपको उस बंदे की सेल्फी मिल जाएगी, उस बंदे की पिक्चर मिल जाएगी जो भी आपके मोबाइल में घुसने की कोशिश करेगा। और दोस्तों उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा जो आपके मोबाइल को ओपन कर रहा होगा कि इस एप्लीकेशन ने उसकी पिक्चर ले ली है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप कस्टमाइजेशन में जाते हैं तो इधर आपको डिफरेंट वॉलपेपर और थीम देखने को मिल जाते हैं, तो जो भी आपको पसंद है वो आप इधर से लॉक पे सेट कर सकते हैं। तो काफी दोस्तों कमाल की एप्लीकेशन है। अगर आप अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं तो इस ऐप का आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं लिस्ट की नेक्स्ट ऐप की। इस ऐप का नेम है डाटाली। बहुत से लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे होते हैं हमें कोई ऐसी ऐप बताओ जिसकी मदद से हम अपने इंटरनेट को सेव कर सकें, हम अपने इंटरनेट को बचा सकें। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप लोग अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेटअप डाटा सेवर का, आपने इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपको इधर मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैनेज डाटा का। अगर आप मैनेज डाटा पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको आपके इंटरनेट का कंप्लीट स्टैटिस्टिक देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप है, कौन सी ऐप कितना डाटा आपका कंज्यूम कर रही है, वो आपको इधर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप बैक आते हैं आपको इधर ऑप्शन देखने को मिलता है डेली लिमिट का। दोस्तों ये ऑप्शन मुझे काफी कमाल का लगा। इस ऑप्शन की मदद से आप लोग अपने मोबाइल पे डेली लिमिट अपने इंटरनेट की सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं इधर 100 MB कर देता हूं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ब्लॉक डाटा पे ऑन कर देता हूं और इधर से सेट डेली लिमिट सेलेक्ट कर लेता हूं। अब होगा क्या, जैसे ही मैं 100 MB कंज्यूम कर लूंगा तो मेरा डाटा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, 100 MB से ऊपर मेरा इंटरनेट कंज्यूम नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने डाटा को सेव करना तो आप इधर से लिमिट भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन आपको मिलता है बेड टाइम मोड।
मोड का। अगर आप इसमें जाते हैं तो इधर आप अपना बेड टाइम मोड सेट कर सकते हैं। उस टाइम दोस्तों जितनी भी आपके बैकग्राउंड में ऐप होंगी वो ऑफ हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं 11 से सुबह 6 तक सोता हूं, तो आपने सिंपल इधर से टर्न ऑन बेड टाइम मोड कर देना है, तो अब 11 से 6 में कोई भी ऐप मेरे इंटरनेट डाटा को कंज्यूम नहीं करेगी। उसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन इधर आपको देखने को मिल जाता है बबल ट्रैकर का। ये ऑप्शन दोस्तों पर्सनली तौर पर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो आप अपना रियल टाइम इंटरनेट डाटा की कंज्यूमिंग को देख सकते हैं। वो किस तरह देखेंगे, सिंपल आपने बबल ट्रैकर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने शो बबल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप शो बबल पे क्लिक करेंगे तो एक बबल आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों होगा क्या, किसी भी आप ऐप को ओपन करेंगे तो वो ऐप आपका जितना डाटा कंज्यूम कर रही होगी वो आपको इधर देखने को मिल जाएगा। आप रियल टाइम डाटा ले सकते हैं अपने इंटरनेट का कि कौन सी ऐप आपका कितना डाटा कंज्यूम कर रही है। तो दोस्तों काफी हैंडी एप्लीकेशन है। अगर आप अपने इंटरनेट डाटा को सेव करना चाहते हैं, अपने इंटरनेट डाटा को बचाना चाहते हैं, तो इस ऐप का आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। बात करते हैं लिस्ट की नेक्स्ट ऐप की। इस ऐप का नेम है बोर बटन। अगर दोस्तों आप लोग बोर हो रहे हैं घर में तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है। इस एप्लीकेशन में आपको 100 ऑफ गेम्स देखने को मिल जाती हैं जिसको आप प्ले कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कोई गेम 1-2 मिनट प्ले करते हैं और आपको पसंद नहीं आई, आप उस गेम से बोर हो रहे हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपको एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट गेम प्ले हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप उस गेम से भी बोर हो चुके हैं तो आपने सिंपल दोबारा से रेड कलर के बटन पे क्लिक करना है, आपकी नेक्स्ट गेम आ जाएगी। उसके अलावा दोबारा से रेड कलर के बटन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट गेम प्ले हो जाएगी। तो दोस्तों 100 ऑफ गेम्स इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आप किसी भी गेम से बोर होते हैं, सिंपल आपने रेड कलर के बटन पे क्लिक करना है तो न्यू गेम प्ले हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो इधर आपको रिसेंटली प्लेड में देखने को मिल जाती है वो गेम्स जो आपने रिसेंटली प्ले की है। उसके अलावा अगर आप किसी गेम को फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं, आपको कोई गेम पसंद आ गया तो वो आप फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। इधर आपको पॉपुलर गेम्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो काफी दोस्तों कमाल की एप्लीकेशन है। अगर आप घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं या दोस्तों अगर आप किसी रिलेटिव वगैरह के गए हैं और उधर भी आप बोर हो रहे हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने इस ऐप को ओपन करना है और इधर से आके आपने गेम प्ले कर लेना है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप बोर होते हैं उस गेम से तो सिंपल रेड कलर के बटन को दबाते जाओ और न्यू गेम्स खेलते जाओ। तो काफी दोस्तों कमाल की एप्लीकेशन है। अगर आप बोरियत से बचना चाहते हैं तो इस ऐप को ट्राई कर सकते हैं। तो बात करते हैं लिस्ट की फाइनल एंड लास्ट एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन का नेम है मासा वॉलपेपर। इस एप्लीकेशन में आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के इधर वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, 3D वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपको कैटेगरी पसंद है सिंपल आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको मैं लाइव वॉलपेपर सेट करके दिखा देता हूं कि किस तरह के लगते हैं। लाइव वॉलपेपर इस एप्लीकेशन में दोस्तों काफी कमाल के हैं। अगर आप किसी भी वॉलपेपर को सेट करना चाहते हैं, सिंपल आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस वॉलपेपर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल इस बटन पे क्लिक करना है, इस बटन पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों लाइव वॉलपेपर की तलाश में थे तो इस एप्लीकेशन को आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें इतने ज्यादा कमाल के आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिलते हैं जो आपने शायद पहले ही कभी देखे हों। तो काफी दोस्तों कमाल के एप्लीकेशन है। अगर आप अपने मोबाइल के लुक को टोटली तौर पर चेंज करना चाहते हैं तो इस ऐप को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।